गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये उसका थर्ड यूनिट का हम सेकंड आज हम करने जा रहे हैं पार्ट, प्यारे बच्चों, जिसमें आप देखेंगे हंगर, हार्डशिप, हंगर यानी भूख, हार्डशिप यानी कि मुश्किल समय, एंड पॉपुलर रिवोल्ट। प्यारे बच्चों, इसमें पर्टिकुलर इसमें आपको जो बेसिकली चीज याद रखनी है, आपको पता है कि यूरोप में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया तो मशीन्स में वहां पे चीजें जो है बहुत सस्ती मतलब बन के आने लगी मार्केट में पूरे यूरोप में, जिसके कारण क्या हुआ कि जो बाकी जो वीवर्स थे, स्पेशली जो टेक्सटाइल जो घरों में काम करते थे, उनकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई। प्यारे बच्चों, हम आप याद रखेंगे जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1830 से 48 के बीच में। तो इस लगभग दौरान एक तो क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन ऑफ यूरोप थी वो इंक्रीज हो गई, है ना। तो जो पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीज हुई जब वहां की, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो जॉब सीकर्स हैं, यानी कि जो बेरोजगार हैं, उनकी संख्या ज्यादा हो गई। और मतलब जो जॉब जिनके पास है वो, मतलब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो जो जॉब सीकर्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। आप साथ में ध्यान देंगे, इसी दौरान कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ बैड वेदर और अदर रीजंस जो हार्वेस्ट थी, यानी कि जो वहां की फसल थी, वो भी कहीं ना कहीं खराब हो गई, जिसके कारण लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। तो इस समय पे आप देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, है ना, जो इन जो माल जो टेक्सटाइल जो वीविंग का जो काम देते थे, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे गांव के लोगों को और वो उनको फिनिश्ड गुड तैयार करके देते थे। तो अब क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने स्थिति का फायदा उठाया और उन्होंने जो उनको पहले जो अमाउंट देते थे फिनिश्ड गुड का, उन्होंने वो कम कर दिया। और उन्होंने कम कर दिया उसके बाद भी लोगों को, क्योंकि जरूरत है, क्योंकि जॉब है ही नहीं, तो उनको मजबूरी में वो काम करना पड़ा। तो इससे आप देखेंगे कि धीरे 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 एक आक्रोश का माहौल पैदा हो गया। तो आप समझेंगे प्यारे बच्चों कि जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, उसको अपना परिवार चलाना है, अपनी फैमिली चलानी है ना, और उसके पास साधन नहीं है, हर चीज महंगी है, और उसको जो मिल रहा है जिसके लिए वो दिन रात काम कर रहा है, और उसके बाद अगर उसको पैसा भी कम मिले, तो एक मतलब बहुत ही बुरी स्थिति होती है। तो इस समय जो प्राइस था फूड का, वो भी काफी इंक्रीज हो गया था इस पर्टिकुलर टाइम में। अब हम यहां पर बुक के तहत चलेंगे, यहां पे आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है प्यारे बच्चों। एक तो फ्रांस के बारे में, फ्रांस की पूरी टाइमलाइन आप लिखेंगे प्यारे बच्चों अपने कॉपी में, तो उसको आपको इसलिए नहीं याद करना है कि टेंथ के लिए, आपको फ्यूचर तक उसको अपने माइंड में रिटेन करना है। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, आप सभी जानते हैं। उसके बाद 1804 में नेपोलियन आए, 1815 में नेपोलियन को हरा दिया ब्रैप ने, और उसकी जगह जो न्यू कंजर्वेटिज्म थे उन्होंने बॉबन फैमिली को दोबारा एस्टेब्लिश कर दिया, आपको पता है उसमें। और फिर 1830 जो हमने पिछली उसमें देखी थी, जुलाई 1830, वहां पर लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना दिया, ठीक है, किन्होंने, लिबरल नेशनलिस्ट ने, रेवोल्यूशनरीज ने। अब वो जो बनाया था उनको लुइस फिलिप को, 48 में आकर, क्योंकि इतनी सारी जो मैंने बताई पॉपुलेशन इंक्रीज और जॉब सीकर्स एंड प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो गया था, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने जो उनकी सैलरी थी वो बहुत ज्यादा कम देनी शुरू कर दी थी, तो इस वजह से वहां के लोग जो है वो सड़कों पर आ गए थे। तो इस दौरान जो लुइस फिलिप था उसको अपनी जान छुड़ाकर भागना पड़ा, और जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया, यानी कि क्लेम कर दिया कि नाउ दे आर रिपब्लिक। और रिपब्लिक आपको पता है प्यारे बच्चों, इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक, जहां पे हेड ऑफ द कंट्री है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है, वो पोस्ट हेरिडेटरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया, तो ये भी एक रेवोल्यूशन हुई 1848 में। तो हम टोटल कितना पार्ट देख रहे हैं, 1789, देन 1804, देन 15, देन 30 एंड देन 48। इसके बाद आप फ्रांस के बारे में और कुछ नहीं पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तो दिस इज समथिंग, एक आप यहाँ पे करेक्टर आपको याद करना है प्यारे बच्चों, वो जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट आपको पता है जो न्यूज में एंकरिंग वगैरह करते हैं, तो जो आर्टिकल्स लिखते हैं जो रिलेटेड टू सम इवेंट्स, है ना, जो जर्नल्स हम पढ़ते हैं, तो एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है वुल्फ। क्या नाम याद रखेंगे आप उनका, वुल्फ, विलहेल्म वुल्फ। अभी जो विलहेल्म वर्ड है प्यारे बच्चों, जहां पर भी ये वर्ड आ जाए विलहेल्म, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है जर्मनी से है, है ना। तो ये एक मतलब विलहेल्म है, तो यानी जर्मनी में ही ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो विलहेल्म जो वुल्फ है,
ये जर्मनी के हैं, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूं, आपकी बुक में नहीं है, और ये जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक विलेज सिलेसिया, सिलेसिया ये वन मार्क के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए कि किसने लिखा, किसके लिए लिखा, क्या विलेज का नाम था, उसके बारे में उसने एक घटना को बताया है जो अब हम वन बाय वन इसकी तरफ बुक बाय बुक के तहत हम देखेंगे कि उसमें उनने क्या डिस्क्राइब किया। तो उसमें कुछ एक दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वन मार्क के बनते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, लेकिन आपको स्टोरी इजिली रिटेन हो जाएगी और दैट विल बी हेल्प अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है। हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट द 1830s बोला यहां पे, 30 नहीं 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी saw an enormous इंक्रीज इन population ऑल ओवर यूरोप। इंक्रीज इन population, फर्स्ट पॉइंट हो गया, आप देखेंगे इसमें इकोनॉमिक हार्डशिप फर्स्ट, देन इंक्रीज इन population। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू दी सिटीज टू लिव इन आवर क्राउडेड स्लम्स। आवर क्राउडेड यानी जो पहले से ही भीड़ में भरे हुए, और स्लम्स यानी कि जो झुग्गी झोपड़ियां होते हैं। तो गांव से लोग शहर की तरफ दौड़ने लगे क्योंकि गांव में जो वीविंग, जो मैंने आपको बताया टेक्सटाइल, उसका बहुत बुरा हाल हो गया था और वो आवर क्राउडेड स्लम्स में रहने के लिए मजबूर हो गए। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन, यानी कि बहुत एक तगड़ा कंपटीशन मिलता था फ्रॉम इंपोर्ट्स। इंपोर्ट का मतलब होता है उनकी कंट्री में जो आ रहा है, और एक्सपोर्ट मतलब जो जा रहा है। तो इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का वो जो पहले आपका एक बेस बनाया था उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे उसने एक स्टिफ कंपटीशन दिया। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट, दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ये जो बेसिकली जो आपको एलिबरेट कर रहे हैं वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में कर रहे हैं। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज, यानी कि बहुत ही कम उसमें मशीन्स का, बहुत छोटी छोटी मशीन्स का ही, नहीं तो ज्यादातर वो घर में ही होती हैं। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड, एरिस्टोक्रेसी आपको पता है जो कुलीन वर्ग है जिसको खत्म कर दिया था, तो वो एरिस्टोक्रेसी कहीं जहां जिस भी रीजन्स में यूरोप में, आपको पता है ईस्टर्न और सेंट्रल में अभी भी एरिस्टोक्रेसी चल रहे थे, तो जहां जहां पर उनका अभी भी रॉब था, तो वहां पे जो किसान थे, जो पीसेंट्स थे, उनके बड़ी दयनीय स्थिति थी, उनको ड्यूज बर्डन्स के अंदर में धकेल रखा था। पीसेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज, फ्यूडल यानी वही जमींदारों का जो भी बचे कुछ है जो, एंड ऑब्लिगेशंस। द राइज ऑफ फूड प्राइस, फूड का जो प्राइस है वो भी राइज हो गया, और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं फसल भी खराब होगी बिकॉज ऑफ मौसम। लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म, पॉपरिज्म यहाँ पे एक वर्ड है प्यारे बच्चों जिसका मतलब है कंगाली, गरीबी, है ना। तो इसको ये वर्ड क्या है, पॉपरिज्म, पॉपरिज्म यानी गरीबी इन टाउन एंड कंट्री, शहरों में और लगभग पूरी उस कंट्री में जो कि अभी तक नहीं थी, उसमें गरीबी का मातम छा गया। द ईयर 1848, अब हम फ्रांस के बारे में देखेंगे, ये हमने यहां तक देखा, अब हम फ्रांस के बारे में देखेंगे। वॉज वन सच ईयर 1848 स्पेसिफिकली जो मैंने आपको बताया, फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिपे वॉज फोर्स्ड टू फ्ली, उसको भागना पड़ा। अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, यहां पे आप ध्यान दोगे प्यारे बच्चों कि उसके भागने के बाद जो नेशनल असेंबली थी उसने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया क्या, एज अ रिपब्लिक। और साथ में उन्होंने तीन चीजें और की, एक तो रिपब्लिक हो गया, उसके बाद पहली चीज उसने जो 21 साल से ऊपर वाले मेल नॉट फीमेल उन सबको राइट टू वोट यानी कि यूनिवर्सल सफरेज दिया, ठीक है, साथ में उनको मतलब गारंटी दी कि उनको काम मिलेगा, और इसके लिए उन्होंने काफी फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश की टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, granted suffrage to all adult males above 21, not 18, and guaranteed the right to work, और उनको guarantee दी गई भी जितने भी हैं उनको काम मिलेगा। National workshops to provide employment were set up, तो national जो workshops है वो set up की गई to give the employment। Earlier in 1845, earlier है ना शुरुआत ही, weavers in Silesia, आगे Silesia, had led a revolt against contractor who supplied them raw material and gave them orders for finished textile, but drastically यानी कि बहुत बुरी तरीके से reduced their payment, उनकी payment को बहुत कम कर दिया गया। The journalist Wilhelm Wolf, WOLFF, journalist Germany से है, क्योंकि Wilhelm लगाए, जहां पे भी Wilhelm लगेगा आप समझ जाए वो प्रशिया और जर्मनी वहां से है।
डिस्क्राइब द इवेंट इन सिलेसिया विलेज एज फॉलोज। ये जो विलेज है सिलेसिया पे 18,000 लोग रहते हैं इनहेबिटेंट, और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो वीविंग है ना, कॉटन वीविंग। लेट्स सी, इन दीज विलेजेस 18,000 इनहेबिटेंट कॉटन वीविंग इज मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, बहुत ही गरीबी वहां पर, मतलब माइजरी आप समझ रहे हैं ना, दयनीय स्थिति। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स, उनको जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट थी, हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। उन्होंने अपने मतलब उसका प्राइस जो है रिड्यूस कर दिया। ऑन June 4 at 2 PM, ये एकमात्र ऐसी आप देखेंगे प्यारे बच्चों जहां पे डेट मंथ ईयर नहीं दिया है ना, और टाइम दिया है। तो इसको आप अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेशिया के तहत ये जुड़ी हुई है। जो किसने डिस्क्राइब की है, वोल्फ ने की है, ठीक है, विलहेल्म वोल्फ ने की है, जो एक जर्नलिस्ट है। लार्ज क्राउड ऑफ व्यूवर्स, अब आप देखेंगे कि जो उसने डिस्क्राइब किया है, पहले तो ये बता दिया क्या क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है उनका। अब देख रहे हैं इवेंट, देखें आपकी जब अंदर जब व्यक्ति गरीबी के तहत भूख में तड़प रहा होता है, अपनी संतान को देख रहा होता है, तो उसके मन में वो क्या कर सकता है। अ लार्ज क्राउडेड ऑफ व्यूअर्स एमोस्ट फ्रॉम देयर होम्स, बाहर निकले अपने घरों से, एंड मार्च इन पेरिस अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। यहां पर आपको वन वाक्य क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है कि वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ, पेरिस की तरफ उन्होंने कूच किया, अपने घरों से निकले। वाई दे कूच? टू सैलरी जो है उसकी इंक्रीज करने के लिए, हाई वेजेस के लिए, ठीक है। वन मार्क तो आपसे पूछा जा सकता है वो किस लिए वहां पर बाहर निकले थे, टू इंक्रीज देयर वेजेस। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, उनको गुस्से से तिरस्कार करके उनके साथ व्यवहार किया गया। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, मतलब गुस्से में आके वो घर में ही घुस गए उनके कॉन्ट्रैक्टर के। स्मैश्ड, तोड़ दिया इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, यानी कि उनकी शीशे तोड़ दिए गए, फर्नीचर तोड़ दिया, पोर्सलेन, पोर्सलेन क्या होता है, जो चीनी के, जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं ना, वो चिकनी मिट्टी के, उसको बोलते हैं पोर्सलेन। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, एक ये तो ग्रुप वहां पे उन्होंने तोड़ फोड़ मचाई, फर्नीचर तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, विंडोज तोड़ दी, और दूसरा एक और ग्रुप जो है वो स्टोर हाउस में चला गया जहां कपड़े जो उनका ऑर्डर जो वहां पे पड़ा हुआ था। Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth, which they tore shreds. Shreds का मतलब होता है जिसके उन्होंने चीथड़े कर दिए, है ना। आपने 9th में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ऑन 14 जुलाई क्या हुआ था कि उन्होंने किस तरीके से उनके पूरे जो पैलेस था उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, कंकरों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो चीथड़े उठा दिए, इतना इनको गुस्सा आया हुआ था। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज, विच However, refused to shelter such a person. अब वो बेचारा अपनी फैमिली, जो कॉन्ट्रैक्टर था, अपनी फैमिली को लेके दूसरे गांव में, शहर में गया, लेकिन लोगों ने उसको, ऐसे व्यक्ति को घर अपना शेल्टर देने में मना कर दिया। He returned. अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आर्मी के साथ वापस आता है। He returned 24 hours later, having requisitioned the army. Requisitioned का मतलब होता है बुलाना। किसके साथ आया? आर्मी के साथ आया। यहां पर एक वन मार्क का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे, 24 घंटे के बाद आया, और आते ही उन्होंने क्या किया, 11 वीवर्स को शॉट, गोली मार दी। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट, यानी कि आपसे पूछा जाए सिलेशिया की स्टोरी में कितने वीवर्स को गोली से उड़ा दिया गया या मार दिया गया, गोली से दाग दिया गया, तो 11 वन मार्क का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आप फ्रांस को देखेंगे, उसका एक टाइमलाइन बनाएंगे, साथ में आप इसमें करेक्टर को, तो आप करेक्टर वाले क्वेश्चन में इसको आप लिखेंगे और टाइमलाइन आप पूरी इसको करेंगे। कई बच्चों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है टाइमलाइन, लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अगर वहां पे ना लिख के अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सो दैट अदर्स ऑल्सो शुड गेट बेनिफिटेड। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। This is for your click. God bless you all. Love you all.